अर्षता देखिए मेरा फेवर पॉइंट वही था जो सुबह का था इट वॉज़ आई थिंक टू टू सेवन टू नाइन इसके ऊपर तो मैं ये मानता हूँ कि एज अ डिटीडर भी आप दाव खेल सकते हैं और लगभग जो सुबह का लेवल था सुबह के डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेवल लिख आइएगा अ स्विंग टू प्रीवियस स्विंग हाई ऑल टाइम हाई सेवन सिक्सटी फाइव अभी स्क्रीन पे सेवन सिक्सटी फाइव सेवन नाइन्टी सिक्स तक की पॉसिबिलिटी है बट मैं ये कहूँगा के प्रोस्पेक्टिव ये रखिएगा कि आप वो ट्रेड अगले शुक्रवार के लिए भी कैरी कर पाएँ देखिए इस सेशन की एक अच्छाई ये है कि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और बुराई और या फिर कह सकते हैं कि लिमिटेशंस भी यही हैं कि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ठीक पैरेलली उसके ये एक एक्सपायरी डे भी है ये मेरे लिए अच्छी बात है कि ऑल टाइम हाई नज़दीक कड़ा है अगर मैं कॉल राइटर हूँ तो मेरे पास कन्विक्शन है कि जनाब एक्सपायरी डे को बाज़ार ज़्यादा नहीं भागेगा और प्रीवियस हाई को नहीं लागेगा तो ऑप्शन राइटर्स हर्षता हावी हैं पर मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से इट्स अ मैटर ऑफ टाइम शायद सिर्फ आज हम किसी तरीके से अटक जाएं तो अटक जाएं बट निफ्टी पॉइज है एज ऑफ नाउ टू टू एट टू सेवन के लिए एट टू सेवन तक का स्विंग आए इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है सुबह हमारा डाउन साइड डिस्ट्रिक्ट किया रिलायंस ने लेकिन बाद में वो कोलैप्स हुआ बट एज ऑफ नाउ जो स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है हर्षता एंड फाइनली जो स्टॉक अपने सारे एवजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है वो है ITC. टी ये थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करेगा और नंबर्स को चेंज करेगा यह मेरे ख्याल से एक रिक्वायर्ड जो हमें थ्रस्ट था वो देगा आई टी सी फोर थर्टी फोर इज नाउ अब ऑल मूविंग एवरेजेस मैं ऑप्शन के सेट्स आपको दिखा दूंगा लेकिन उससे बहुत कोई अंतर आएगा नहीं जरा प्लीज स्ट्राइक स्क्रीन पर ले आइएगा क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बाईस सात सौ का कॉल राइटर पूरी तरीके से जिसने कल भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली थी वो हावी है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग है तो रहिए बट बट इस बात में या फिर इस पशुपेश में मत रहिएगा कि आज ही आपको वो ट्रेड प्रॉफिट देगा आपको लॉन्ग रहना पड़ेगा और एक करोड़ उनसठ लाख हर्ष आउटस्टैंडिंग वाई यह है यहाँ पर तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस ट्रेंच में बट ए टू सेवन इज ऑन रिस्क कहाँ तक लेना है इस ट्रेड में रिस्क अभी भी इस ट्रेड में ओपन है कौन सी टेजिक्ट्री तक और वो है करीब करीब फाइव एटी एट फाइव फिफ्टी यहाँ तक का रिस्क ऑन है लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार का रिवॉर्ड खुला हुआ राश्ता इतना रिस्क लेना चाहिए दूसरी बात निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा अड़तालीस नौ सौ तीन मैंने सुबह भी कहा था कि एडिप टूवर्थ सिक्स हंड्रेड सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी यहाँ पर आपको बाय करना है अभी हम डे हाई पर हैं और बस दिक्कत की बात यह है आज एक हमने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया और उनचास हज़ार साइकोलॉजिकल लेवल और कॉल आइटर्स का लेवल जो है वो बहुत नज़दीक खड़ा है आपकी स्क्रीन पर जब ऑप्शन के स्टेट्स आएंगे हर्षदा वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि फोर नाइन ट्रिपल जीरो पे फोर नाइन वन डबल जीरो पे फोर नाइन टू डबल जीरो पे इन तीन स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है तो सिर्फ इस क्लोजिंग में रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा बेमानी होगा आप देख सकते हैं उनचास हजार की कॉल में एक करोड़ उन्नीस लाख शेयर दैट्स ह्यूज दैट्स ह्यूज निफ्टी बैंक में अब अगला स्विंग हर्षता तभी आएगा जब हम हम फोर नाइन जीरो फोर फोर मॉर्निंग के लेवल्स लेकर आइएगा अब जब हम उनचास हजार चवालीस की ट्रेजेक्टरी पार कर जाएंगे तब आपको एज अ फ्रेश स्विंग उस ट्रेड को खेलना है नॉट एग्जैक्टली नो अभी नहीं ट्रेड पकड़ने की बैंक निफ्टी में दो ही थीम है आइदर डिप टूवर्थ्स फोर्टी एट सिक्स हंड्रेड सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी या फिर उनचास हजार निकल जाए तब अभी नहीं हर्षता तो दोनों ही इंडेक्स के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा इस वक्त पर्याप्त स्थिति निफ्टी के लिए है वर्सेस निफ्टी बैंक बट स्टीलोंग की अप्रोच दोनों पर रहेगी हर्षता